नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धैर्य गुप्ता। मोटराइज चैनल पे आपका स्वागत है। आज है हम होंडा एक्टिवा 125 के लॉन्च पे। ये इंडिया का पहला BS6 टू व्हीलर है और ये होंडा मोटरसाइकिल्स इंडिया ने लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी की प्रेजेंस में। आइए जान लेते हैं इस 125 स्कूटर के बारे में सारी डिटेल्स। जब से पहले बात करते हैं हम प्राइसिंग की और इसके वेरिएंट्स की, इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 67,490 रुपीज से। इसमें दो वर्जन्स और आते हैं। ये है स्टैंडर्ड वर्जन का प्राइस। नेक्स्ट वर्जन है एलॉय जो कि है 70,990 रुपीज का, और फिर है डीलक्स जो कि है 74,990 रुपीज का। हम इसकी डिटेल में कि वेरिएंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम बाद में बात करेंगे, बट उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या नया है और क्या इसके फीचर्स हैं। तो जैसे कि आप आगे देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी चेंजेस हैं। इसको ये नई स्टाइलिंग इन्होंने दी है, ये ब्लैक जो सॉर्ट ऑफ बिकिनी फेयरिंग है वो इसके लुक को काफ़ी एनहेंस करता है। इसमें केवल स्टैंडर्ड में हैलोजन बल्ब हैं और बाकी दोनों वर्जन्स में LED लाइट्स हैं। यहाँ पे ये फ्रंट एप्रन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स है DRL LED जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जलते हुए, और ये क्रोम इंसर्ट दिया गया है और उसमें रिफ्लेक्शन पूरा दिखता है, और ये बल्ब इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे। इसमें इन्होंने दिया है स्मार्ट इंजन 125cc का, एक्टिवा 125cc HET BS6 इंजन। ऑब्वियसली ये FI इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड। इसमें इन्होंने एक नई चीज दी है, स्टार्टर मोटर जो इसकी है वो काफी ज्यादा क्वाइट कह रहे हैं कि होगी। नॉर्मली जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टर मोटर की आवाज आती है, इसको कह रहे हैं ACG स्टार्टर मोटर। और इसके अंदर ये सबसे केवल टॉप वेरिएंट में है, ये ऑटो ऑन ऑफ स्विच, मतलब कि जैसे कि आप रेड लाइट पे रुकते हैं आपके स्कूटर रुकता है तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये इंजन को बंद कर देगा, और जैसे ही आप एक्सेलेटर को घुमाएंगे इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप कुछ बाइक्स में आता है और ये पहली बार स्कूटर में हम देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड स्विच गियर है। इसके अगर हम मीटर को देखें तो हम देखते हैं कि ये एनालॉग मीटर है, और नीचे जो टैकोमीटर है, फ्यूल गेज है, वो सारा कुछ डिजिटल है। ऐसे सेल्फ ये स्टार्टिंग सीक्वेंस है। साइड स्टैंड इंडिकेटर है, इसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी दिखेगी, कितने किलोमीटर चल रही है एक लीटर में। फ्यूल गेज डिजिटल है, ऑडोमीटर ट्रिप मीटर सब डिजिटल है, बस इसका स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग है। अगर हम इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है होंडा की। हमेशा से ये स्कूटर्स लास्ट कर रहे हैं, एक्टिवा डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूटर्स है। और ये जो यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट है, ये सिल्वर जो टेम्पलेट दे रखा है वो काफी अच्छा लगता है। मिरर्स, चाबी बिना निकाले आप इसकी फ्यूल कैप खोल सकते हैं, सीट खोल सकते हैं, और यहाँ पे ये इग्निशन है ऑब्वियसली। और जब आप इसको लॉक करते हैं स्कूटर को, चाबी को निकालते हैं, तो आप इसका जो की होल है उसका शटर आप चाबी से लॉक करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। ये केवल इस चाबी के पीछे जो ये दिया गया है केवल इसी से खुलेगा, तो इससे एक एडिशनल प्रोटेक्शन हो जाती है। यहाँ पे एक मोबाइल स्टोरेज भी दिया गया है, लेकिन ये लॉक्ड नहीं है, ये मैनुअली ऑपरेटेड है, तो आप इसमें कुछ छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप राइड कर रहे हैं तो इसको आप खोल के अपने या मोबाइल वॉलेट वगैरह कुछ रख सकते हैं। इसमें इन्होंने साइलेंट स्टार्ट फीचर जो दिया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये हमने ऑन कर दिया है। अच्छा, इसमें जो है ये साइड स्टैंड इंडिकेटर जो हमने बताया था आपको कि साइड स्टैंड की वजह से इसमें इंजन ही बेटर है, स्टार्ट ही नहीं होगा अगर ये आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है,
और आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये स्ट्राइट स्टैंड हटाते हैं तभी स्कूटर स्टार्ट होगा। अभी आपने सुना है कि इतने साइलेंटली स्टार्ट हुआ है, इसको हम एक बार ऑफ करके फिर ऑन करते हैं। और आप देखिए नॉर्मली जब स्कूटर स्टार्ट होते हैं थोड़ी आवाज करते हैं, लेकिन इसके साइलेंट स्टार्ट की वजह से ये ज्यादा आवाज नहीं करता है। तो आपने देखा ये कितनी साइलेंटली स्टार्ट होता है नए स्टार्टअप मोटर की वजह से। इसकी डिलीवरीज की अगर हम बात करें तो इसकी डिलीवरी शुरू हो रही है 28 सितंबर से। अभी जनरली गाड़ियां नहीं बिकती हैं श्राद्ध के चक्कर में, और 28 सितंबर को है पहली नवरात्रि और फेस्टिव सीजन, जो कि बहुत अच्छा सीजन रहता है गाड़ियों के और मोटरसाइकिल्स की सेल के लिए। तब इसकी डिलीवरी शुरू हो रही है 28 सितंबर को। आगे ये दिया गया है टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक। पीछे जो सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है 3 स्टेप में, और ये साइलेंसर बॉक्स साइलेंसर है जिसके अंदर कि इन्होंने एक हीट शील्ड भी दे रखी है। और ये जो इसके रियर फुट रेस्ट है फॉर पिलियन राइडर, ये फोल्ड होके अंदर फ्लश्ड हो जाते हैं, तो उसके डेफिनेटली काफी एक फ्लश्ड लुक देता है जब ये अंदर की तरफ होंगे। ये क्रोम स्ट्रिप भी काफी साइड लुक्स को एनहांस करता है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्कूटर दिखने में अच्छा है। इंडिया का पहला BS6 स्कूटर है। फ्यूल एफिशिएंसी इसकी पिछले स्कूटर से 13% ज्यादा है। इट इज 13% मोर फ्यूल एफिशिएंट। अब बात करें इसकी अगर हम पावर की, सॉरी वो अभी तक आपको मैंने नहीं बताया है। इसका जो ये इंजन है BS6 इंजन, वो डिलीवर करता है 8.1 BHP 6500 RPM पे, और टॉर्क उसका जो है वो है 10.3 Nm जो कि आता है 5000 RPM पे। तो ये था एक्टिवा 125 के बारे में सारी डिटेल्स। आपको कुछ और जानना है तो कृपया नीचे कमेंट करें, पूछें, हम उस सवाल का जवाब देंगे। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।